हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एमएसपी की फसलों में की गई वृद्धि को लेकर सरकार का बेहतर कदम बताया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बात भी रखी, आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। चिंता का विषय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी रबी की फसल उसकी बुआई होने से पहले ही रबी की 6 फसलों का नया एमएसपी ये घोषित किया है, और एमएसपी घोषित करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि लागत मूल्य से हर फसल 50% से ऊपर उसका एमएसपी होना चाहिए। बहुत फसलें तो 100% तक भी पहुंच गई हैं, इसलिए जो नए एमएसपी घोषित किए गए हैं उसमें 40 रुपये से लेकर के और 400 रुपया प्रति क्विंटल तक बढ़ोतरी की गई है। मैं प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आशा करता हूँ कि जो किसानों की आय डबल करने का संकल्प एक मोदी जी ने लिया था वो निश्चित रूप से पूरा होता जा रहा है, और आने वाले अगले वर्ष तक और बहुत सी योजनाएं ऐसी आएंगी जिसमें से किसानों की आय डबल होगी। साथ ही हरियाणा में भी हम लोगों ने गन्ने का रेट, जो पहले से हमारी एक विशेषता रही है कि देश में सर्वाधिक गन्ने का रेट ये हम देते हैं, इस बार भी हमने 12 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा करके इसको 350 रुपये से 362 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इस नाते से हरियाणा ने भी अपनी भूमिका किसानों की आय डबल करने में। तो देखा आपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस तरह एमएसपी का खुलकर समर्थन किया। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।